हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज है सेकंड डे हमारे घर पे सफाई का। कल हमारे 3 कमरे हो चुके थे और आज जो है बाकी का होगा, जितना भी होता है उतना होगा। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि खाना हो जाएगा टाइम से तो फिर जो है किचन शुरू होगा। टाइम से मतलब ये था कि लगभग 11 बजे के करीब हम लोग लंच कर लेंगे। लंच हो, ब्रेकफास्ट हो, यही हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ना किचन होगा, जिसमें किचन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है घर में, कमरों से सबसे ज़्यादा, क्योंकि बर्तन वगैरह सब कुछ मांजेगा, ऊपर नीचे सारा कुछ किचन, और नीचे से टाइल्स वगैरह भी धुलेंगी सारी। कितना अजीब सा लगा देखने में। अच्छा लग रहा है खाली खाली सा, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बहुत भरा भरा तो हो। अभी कहाँ पे हो? अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं तो नहीं कहती, आधा सामान आउट कर हाँ देते हैं। तो फिर क्यों डिसाइड नहीं हो रहा अभी? है नहीं, हाँ माइक्रोवेव दे देते क्या हैं, ऊपर रख देता। किसी को अच्छा दे देते सुनो, हैं। डिसाइड मेन्यू हो गया। स्टार्टर में चाय पकोड़ा और लंच में हो जाएगा मिक्स वेज। पकोड़े 2-3 टाइप के कर लेना, पकोड़े 2-3 टाइप वो तो अपने आप कर लेंगे, वो आलू प्याज के पकोड़े हो गए, पनीर का हो गया या गोभी का हो गया। डिसाइड हो चुका था, अभी आपको क्या है? अभी तो मेरे को बोल रहे थे कि डिसाइड नहीं हुआ। आप रात को बैठ के आईपीएल देखते हो क्या कर रहे हैं? अभी खुद मेरे को बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि रुक जा, उन्हें भैया को बुला लो। इधर ये बातें कर बाकी रही तुम हैं। जो मेरा वो है क्या नाम है, म्यूजिक म्यूजिक वो कर दो उनको, बोला तो अभी माइक। किचन में सफाई शुरू हो चुकी है, काफ़ी देर पहले शुरू हो गई थी। डिटेल में मैंने वीडियो नहीं बनाया, ना कल बनाया ना आज बनाया, क्योंकि जो लोग आए थे वो कैमरे में नहीं आना चाहते थे, और जब कोई मना कर देता है तो हम उसको ज़बरदस्ती, मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि देखो सबकी अपनी जिंदगी है, और हम भी, हो सकता है हम किसी के में, भाई देखो होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मैंने क्या करा ना, बहुत कम वीडियो बना, क्योंकि वो लोग तो मेरे साथ हर जगह जगह ही थे, तो फिर इस तरह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी व्लॉग बनाने में, पर मैंने थोड़ा थोड़ा फिर भी रिकॉर्ड कर लिया। तो किचन में यहाँ पे मैं इनको बता रही हूँ किस तरीके से क्या चीज़ होगी, कैसे होगी, कौन से बर्तन साफ़ होने हैं। पहली बात तो सारे ही बर्तन साफ़ होने हैं, कुछ बर्तन ऐसे हैं ही नहीं जो ना साफ होने हो। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सारा सामान पड़ा है, ये कमरा बंद कर दिया है क्योंकि ये क्लीन हो चुका है, ये भी कमरे जो इधर के हैं क्लीन हो चुके हैं, बाहर वाला भी अभी नंबर लगेगा, ये जितने डब्बे ढक्कन हैं सब ये मंजेंगे। बाहर नेहा मैडम लगी हुई हैं अपना ये पर्दे वर्दे धोने में, तो वो ये वाले काम में लगी हुई है, अंदर जो है क्लीनिंग चली है। किसी ने मुझसे पूछा था, किसी ने नहीं पूछा, नरगिस जी ने पूछा है, नरगिस अहमद जी ने, कि आपने कितने पैसे दिए इनको, तो देखती हूँ मैं बताऊँगी। मार्केट जाना है और अब पता चल रहा है कि काम करवाना भी काम है, मतलब काम बताना फिर उस वहां खड़े रहना वो भी एक काम। मैंने सोचा था वो लोग यहाँ करेंगे, मैं शॉप पे जाके सफाई वफाई करूंगी, कुछ करूंगी, लेकिन मैं घर ही नहीं छोड़ पा रही हूँ। अभी विपिन आए, एसी का कर रहे हैं, गैस वैस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना अब समय बिल्कुल भी नहीं है। अब सफाई का समय है, वहाँ पे जो थापे की पूजा है वो होनी है, जो पूजा से पहले पूजा होनी है वो हमारी कथा हवन से पहले पूजा होगी, जो घर की होती है थापे की, तो वो होनी है, तो वो 2nd नवरात्रे को है। अब 2nd नवरात्रे को पूजा है तो उससे पहले वहाँ पे साफ सफाई और का सारा काम खत्म होना, वहाँ पे कुछ जैसे चीजें हैं जो चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वहीं पर ही हम लोग हलवा पूरी बना लें। गैस तो रखा ही जाएगा तो गैस पे कुछ शुभ काम ही हो जाएगा। इंडक्शन का सोचा था, इंडक्शन हमारे पास है भी, लेकिन तभी आया कि अगर हम इंडक्शन रखते हैं, बाई चांस उस दिन इंडक्शन लगाया और आधे बीच में लाइट चली गई, फिर विपिन को कॉल करो फिर बुलाओ, तो फिर विपिन ने बोला कि गैस सिलेंडर ठीक है इंडक्शन नहीं, कि फिर तुम आधे बीच में मेरे को तंग करोगे, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, फिर चीज़ें अधूरी रह जाती है बीच में। या फिर इंडक्शन हो तो फिर लाइट का हो, कि भाई लाइट यहाँ 24 घंटे आती है और जाती है तो इस टाइम जाती है, तो फिर वो पता रहता है। तो इस वजह से अभी गैस भी उठाते हैं, गैस लेते हैं, और सामान तो जैसे सफाई चल रही है, मैंने इसमें से कितना सामान निकाला है, अभी डब्बे निकाले हैं, डब्बे मिल गए थे, वो जो न्यासा से, न्यासा के हैं उससे, होम शॉप 18 से मंगाए थे, वो निकाल लिए, वहाँ के लिए कुछ सामान होगा निकाल गया, गिलास कटोरी निकाली कल बताया था आपको, ट्रे व्रे भी एक्स्ट्रा हमारे पास है ही, अब जो भी वहाँ रखना है ना, है ना, क्यों खरीदनी जब चीजें हैं। ओ माय गॉड, रिंकी ऐसी बातें कर रही है, क्यों खरीदनी जब है, ये कैसे हो गया, ये लड़की तो बहुत फालतू खर्चा करती है। ये क्या रखा है इन पे, रेड रेड शैतू।
सबसे पहले हमने एसी लिया और एसी हमने 4 स्टार में लिया है। उन भैया को मैंने इतना बोला कि भैया 5 स्टार 5 स्टार, तो कहने लगे मेरा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आपका कंटिन्यू 12-13 घंटे एसी चलता है तब जाके वो 5 स्टार में काम करता है, 200-300 रुपये का बिजली के बिल में फ़र्क आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो ऐसे क्यों, वो विपिन को जानते थे, अब पता नहीं वो सही बोल रहे थे कि क्या था, पर उन्होंने बिल्कुल बात नहीं लगने दी, उन्होंने 4 स्टार का दिया। उसके बाद हमने फ्रिज भी फाइनल कर दिया था, फ्रिज भी हो गया है हमारा। फ्रिज जब घर पे खुलेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी, एसी तो शायद आज या कल में लग ही जाएगा। तो फिर उसके बाद मेरे को गैस लेनी थी, तो मैं यहाँ पे गैस देख रही थी। बेड वेड तो हमें लेना नहीं है, बेड तो हमारे पास है, बेड भी ये है कि सिंगल बेड डाल देंगे वहाँ पे, क्योंकि चाहिए है ना, या तो नीचे गद्दे डालो, अब गद्दे डालना वहीं पर किचन है, फिर पानी वानी ये वो, तो फिर मैंने कहा दीवान बैठ जाएगा, तो वो सब भी अब हमारा शुरू होने वाला है, कल या आज से शुरू हो जाएगा। बस दुकान की सफाई बाकी है और बाकी ये जो चुटर पुटर के काम है, एसी वेसी लगना, वो सब बाकी कैसे है। कैसे जाएंगे रश्मि कलेक्शन पे, पहले आएगी लक्की की शॉप यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे कुछ कदम चलना है, उसके बाद वो देखिए वो बोर्ड दिख रहा है रश्मि कलेक्शन का, यहाँ वॉल पे भी दिख जाएगा आपको आगे रश्मि कलेक्शन लिखा हुआ, ये रश्मि कलेक्शन देहरादून रोड पर ही है, ऐसा नहीं है रोड पर, रोड से थोड़ा सा अंदर ही है, ठीक है आप समझो थोड़ी सी चीजें ना, पैसा उधर ऊपर से रोड पे जो मिल रही थी ना दुकान, वो मैंने आपको बताया था इसी ब्लॉग में, बस फर्क इतना है, कल और आज का 2 दिन का ब्लॉग है ये। तो टीन डल चुकी है ऊपर, तो ना वो वहां पे मैं नहीं कर सकती थी जहाँ पे नॉन वेज है, और कोई शॉप वहां सेल नहीं हो रही थी, और आगे को हो रही थी विकास नगर में हो रही थी, वो काफी दूर पड़ जाता बच्चों के हिसाब से, तो इस वजह से। हाँ आप डायरेक्शन चेक करना कि किस किस ये आपको बेहतर तरीके से पता है कि डायरेक्शन कौन सा ठीक है। आप मेरे को घर छोड़ाओ, फैन भी लग चुके हैं दोनों, एसी शायद इस वाली वॉल पे आएगा, एसी इस वाली वॉल पे आएगा। तो यहाँ पे हमने कैमरे वाले भैया को बुलाया था कि भाई ये काम भी खत्म करें, एक एक करके काम याद आ रहे हैं। अच्छा ये वाला भी तो था, तो यहाँ पे ये सीसीटीवी कैमरा की बता रहे हैं कि किधर लगने हैं कैमराज, किधर लगने हैं, तो 5-6 कैमरा लगने हैं, 1-2 शॉप के बाहर लगने हैं और 4-5 शॉप के अंदर लगने हैं। तो भाई ये भी एक काम था, ये भी कराना ही था, तो मैंने कहा चलो भाई ये भी कराते हैं। और यहाँ पे जो है मैं फिर ऊपर आई, ऊपर क्योंकि टीन डल रही है, टीन हमने क्यों डलवाई बाहर की साइड, क्योंकि ना ये जो कमरा है फिर सीधी धूप आती कमरे के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा सा अब इससे छांव हो जाएगी, और अभी नीचे की साइड टाइल्स भी लगेंगी, तो वो काम बाकी है। और टीन पे ना कलर करा दिया है, प्लास्टिक की टीन लगवाई है। उसके बाद मैं घर आई, मैं विपिन को बोली रही थी यार मेरे को घर छोड़ाओ, क्योंकि वो घर पे ना काम लगा हुआ है, लोग मतलब वो जो लेडीज़ मैंने बुलाई हुई हैं तो वो आई हुई हैं, तो फिर अपने सामने बोल बोल के करवाना, क्योंकि मेरे को लगा था कि बस उनको बता देंगे ये करना है वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको साथ में खड़ा होना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेंशनबाजी होती है, क्योंकि बार बार आप किसी को काम के लिए बोल रहे हो ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मानना ये है पैसे दिए जा रहे हैं आप काम को बहुत अच्छे से करो, पर ये सारी चीज़ें ना कोई कोई समझता है, हर कोई नहीं। तो इनके लिए मैं लेकर आई थी कोल्ड ड्रिंक और पेटीज, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे थे, काम अच्छा कर रहे थे, पर कई बार उनको जल्दबाजी हो रही थी तो वो बोल रहे थे हाँ हो गया, फिर मुझे उन्हें बताना पड़ रहा था कि ये देखिए यहाँ निशान है या यहाँ पर इस तरह से कुछ जमा हुआ है इसको क्लीन कीजिए, तो इस तरह से काम जो है फिर और ज़्यादा बढ़ ही रहा था, उनको दोबारा ही करना पड़ रहा था। तो यहाँ पर जो है फिर मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर लगाने लगी हूँ, क्योंकि ये वॉश हुआ है, घर के जितने भी पर्दे हों, सोफ़े के कवर हों, टॉवल्स हों, सब कुछ वॉश हुआ है, सब कुछ धुला है, मशीन आज दूसरा दिन है, कल भी पूरा दिन मशीन लगी है, आज भी पूरा मशीन लगी है, नेहा के आने के बाद 5-6 घंटे मशीन चली है, और होता भी है। अब ये है ना फिर ये सब हो जाएगा ना तो मन को सुकून रहेगा अगले 2-2.5 महीने तक कि मेरा ये काम ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ना फिर मेरा मैट्रेस लगाने लगी थी मैं ये गद्दे पे, ये बढ़िया रहता है। ये तो गीला हो रहा है अंदर से सारा। चलो जा रहा हूँ अभी वापस।
इसको ऐसे करके भूखे सारे तो क्या हो? अभी ना मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा अब से पहले भी मतलब दो तीन बार लग चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। तो उन लोगों का ना बरामदे तक जो क्लीनिंग थी हमारी वो ख़त्म हो गई है, अब वो बाहर वाले बरामदे में कर रहे हैं। तो फिर मैंने नेहा को बोला, नेहा यार मेरे को ना मज़ा सा नहीं आ रहा झाड़ू पोछे में, तू एक बार झाड़ू लगा दे और मैं फिर पोछा कर देती हूँ। तो फिर उसने झाड़ू लगाई और मैंने पोछा शुरू किया। पता है पोछा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखे ना मन नहीं मानता, और जब घर में सफाई होती है ना तो पोछा ना दो तीन दिन तक सफ़ेद सफ़ेद रहता ही है, क्योंकि जो धूल वगैरह निकलती है वो रह जाती है। फिर हम आए शॉप पे, काम था यहाँ पर, भैया लोगों ने बुलाया था कि आ जाओ। बच्चों का भी मन हुआ कि हम दो तीन दिन से नहीं गए, हमें भी जाना है, तो वो लोग भी आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे ये शीशे वगैरह थे जो इधर की साइड लगेंगे उधर की साइड लग रहे हैं, तो ये काम चला हुआ है और अब काम ख़त्म ही हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप देखेंगे लगभग काम ख़त्म होगा, और फिर मतलब अभी हुआ नहीं है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी भी आज का आधा दिन का काम बचा हुआ है, तो वो होगा। फिर उसके बाद सफाई शुरू होगी, फिर जो है पूजा की तैयारी है। और आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं आजकल व्लॉग, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, क्योंकि उसमें आ जाता है ना यूट्यूब स्टूडियो में कितने लोग आपको सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, कितने लोग अनसब्सक्राइब हैं जो देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो फिर मैं घर पर आई, मैंने बाल तो धो लिए थे बाहर ही, क्योंकि मैं बालों को जब से ये रिबॉन्डिंग हुई है, पहले भी जैसे मैंने स्मूथनिंग कराई थी अभी भी स्मूथनिंग कराई है, तो मैं बाल बाहर ही धोती हूँ, क्योंकि इनमें ना मास्क लगाना पड़ता है और उसको लगा के कम 5-7 मिनट छोड़ना पड़ता है। वैसे तो 10 मिनट छोड़ना पड़ता है लेकिन मैं 5-7 मिनट ही छोड़ती हूँ। तो वो बाथरूम में फिर मैं नहीं धोती हूँ, मैं नहाती हूँ सिर्फ, मैंने कहा सर मैं बाहर धोंगी। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी, तो सर धुल चुका है, शॉप पर जाना इमरजेंसी में हुआ, वो लोग भी जा चुके हैं, वो लोग गए थे लगभग 7:30 बजे के करीब, और आए थे वो लोग 10:30-11 सुबह में। तो अभी जो है मैं थोड़ी सी यहाँ पे अपने चेहरे पे कैस्टर ऑयल से मसाज कर रही हूँ। मेरा जो चेहरा है ना, मतलब जो चेहरे की स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही है, ड्राई हो रही है, तो इस वजह से मैं आजकल ऑयलिंग कर रही हूँ फेस पे, ताकि रात भर रहे और अगले दिन ठीक हो जाए। तो यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट डे है और नवरात्रों की तैयारी है, मतलब अब कल नवरात्रे शुरू हैं। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस माता रानी ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे, घर में सुख शांति रहे। तो मैं और विपिन आए थे शाम के टाइम में, 6:30 बजे निकले थे मार्केट के लिए। तो यहाँ पे हम जो है ड्रेस वगैरह देख रहे हैं और जो भी सामान होता है पूजा के लिए वो सब लेंगे, लिस्ट बना लाए हैं। तो यहाँ पे बस ये आंटी की शॉप है, काफ़ी अच्छी आंटी है और काफ़ी वैरायटी मिल जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से मैं सामान लूँगी और शॉप का भी जो है लगभग लगभग ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड नवरात्रि तक हमारा वहाँ पे थापे की पूजा है, तो वो हमारा सामान वामान रखा जाएगा वहाँ पे। और फिर चौथे नवरात्रि को हमारी जो पंडित जी आएंगे हवन कथा होगी वो होगा, और मैं बहुत ज़्यादा एक एक दिन गिन रही हूँ, रातों को नींद नहीं आ रही है, मतलब खुशी कह लो और एक घबराहट भी है कैसे होगा कैसे मैनेज करूँगी। तो फिर मैं अनिरुद्ध भी आई, यहाँ से भी थोड़ा सा सामान लिया, यहाँ पे कृष्णा डेयरी आई, यहाँ से दूध दही लिया, और थोड़ा सा ऐसे अजीब अजीब सा हो रहा है, कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी। यहाँ से जाना घर पर था तो थोड़ा मतलब आसान तो था ही, तो थोड़ा सा है चीज़ें, और आप लोगों ने भी बोला था मत करो घर से करो, लेकिन कुछ कारण थे घर से बाहर करने के भी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए हुए हैं और मैं दोबारा से भी शेयर कर दूँगी। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, कल मिलती हूँ मैं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।